हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 6:15 हो गया है। सोनी आज स्कूल नहीं जाएगी, इसलिए कि उसको क्या प्रोजेक्ट बनाना था, तो बोल रही है कि मैं नहीं बनाई हूँ। और आराध्या को चार है उठाने, सो रही है। देख सकते हैं कैसे सो रही है। आराध्या उठो, स्कूल नहीं जाना है। आराध्या और इधर किचन में आ गए हैं और दूध रखा हुआ था, कल शाम को लाए थे, गर्म नहीं किए। अभी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए कोई काम भी नहीं मेरा से हो रहा है अच्छा से। देख सकते हैं दूध फट गया है, गर्म करने के लिए डाले तो फट गया। दूध फट गया तो छेना फट गई है, बच्चे लोग को दे देंगे। राध्या को जगा रहे हैं, जग नहीं रही है, सो रही है। उठो, स्कूल का लेट हो रहा है, उठो। ये हर समय लेट स्कूल जाती है। राध्या जग गई है और इसको ये दिए है खाने के लिए छेना। हेलो, जल्दी करो, स्कूल का लेट हो रहा है। आराध्या स्कूल जा रही है, 7:15 होने वाला है। चलो, लेट हो गया, चलो। चलो इधर चाय बना रहे हैं दूध पाउडर से। आराध्या बहुत नाटक करती है स्कूल जाने में, 1 घंटा पर तैयार हुई है जाने के लिए। शाम सो के उठ गए हैं, ब्रश भी कर लिए हैं, बिस्किट खाने जा रहे हैं। बच्चे लोग के लिए ऑमलेट बना रहे हैं, ऑमलेट और रोटी नाश्ता में। ऑमलेट बन गए हैं और इधर रोटी बना रहे हैं। मछली बनाना है और इधर मसाला भी ग्राइंड करना है, ग्राइंडर है, मसाला ग्राइंड कर लेंगे। और इधर कढ़ाई भी चढ़ा हुआ है, इधर मछली का अंडा है, वो भी थोड़ा सा है, बना देंगे। मसाला ग्राइंड हो गया है, इधर टमाटर भी काट लिए हैं और इधर मछली फ्राई हो रहा है। और इधर ये दोनों बहन झगड़ा कर रही है। इधर मछली के अंडा बनाने के लिए ये बेसन और प्याज मिर्ची डाल दिए हैं और ये फ्राई हो रहा है, मछली हो जाएगा तो बनाएंगे। और इधर मछली के अंडा बन रहा है, मछली का अंडा बन गया है। और इधर आराध्या बोल रही है मैं खाऊंगी, ठीक है, दे रही हूँ। और इधर मसाला भुजा रहा है, टमाटर डाल देंगे, अच्छे से भुजा जाएगा तो पानी डालेंगे। आराध्या होमवर्क बना रही है, बनाओ आराध्या। क्या चीज़ कर रहा है, क्या मसाला भुजा रहा है? अभी अच्छे से नहीं भुजाया है, पूरे लाल हो जाएगा तब इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल दिए हैं, मसाला भुजा गया है तो 15-20 मिनट के बाद मछली डाल देंगे। सलाद काट लेते हैं। और अब इधर ये हो गया है, मछली डाल देंगे और इधर सलाद भी काट लिए हैं। और ये हो जाएगा मछली तो चावल बैठा देंगे, 1 बचने वाला है तो थोड़ा जल्दी जल्दी। बच्चे लोग को भूख लगा हुआ है, बच्चे लोग तो मछली खाएगी नहीं, अंडा के फिर ऑमलेट बनाना होगा। सुबह नाश्ता में तो बनाए ही थे, अभी भी बनाना होगा।
सलाद में मिर्ची और अंदर में है। बाहर में कितना धूप है देख सकते हैं, पूरे पेड़ सब जल गया है धूप में। इधर आराध्या धूप में क्या कर रही है, पर जल रहा है, पर जल रहा है। अच्छा इधर ठंडा में रहो, ठंडा नहीं है, चलो घर में। क्या लेने? अच्छा जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, भाग जाएगा। जाओ जा रहे। दोपहर में खाना खाने के बाद सो गए थे और अभी 5 बजा है। सोनी ट्यूशन से भी आ गई है, इसको बुखार जैसा लग रहा है। स्कूल से आती है और पानी पीने लगती है। आप लोग कमेंट करके बताइए, धूप से धूप पीने से आने के बाद पानी पीना चाहिए? ट्यूशन से जल्दी आ गई है, बुखार लग रहा है। सर बोले कि जाओ, बुखार लग रहा है। इधर देख सकते हैं किचन में कितना चिट्टी रहता है, इसलिए लक्ष्मण रेखा से घेर दिए हैं। पूरे दाल में चिट्टी भरा हुआ था, इसको डिब्बा में रख देंगे और बर्तन जो थे वो रखे नहीं थे, पानी करने के लिए रखे थे, रख देंगे। इधर चाय बनाने जा रहे हैं, शाम का चाय है। दूध तो सुबह में फट गया था तो ये पाउडर है, बच्चे लोग से छिपा के रखते हैं। पानी गर्म हो गया है और अभी ये दूध पाउडर डालेंगे। चाय बन के रेडी हो गए हैं और अब इसको छान लेंगे। से आ गया राध्या, मार भी खाई है। शाम का नाश्ता बनाने जा रही हूँ, वीडियो में बने रहिए, दिखा रही हूँ। ये मैदा है, इसको छान लिए है और बच्चे लोग के लिए थोड़ा सा नमकीन बना देते हैं। इसमें नमक और अजवाइन वगैरह डाल दिए हैं, तेल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला के सान देंगे। आज मैं दूध लेने नहीं गई हूँ, मेरी आराध्या परेशान कर रही है कि मम्मी मुझे बना दो कुछ खाने के लिए, भूख लगा हुआ है, इसीलिए ये बना रहे हैं। इसको बेल के और काट लिए छोटा छोटा पीस, तेल गरम है डाल देंगे। राध्या को देख सकते हैं खिड़की के इधर से खड़ी है। राध्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा बना रहे हैं, बन रहा है, खा लो, अच्छा लगता है नमकीन? राध्या अब नहीं ना मारेगी, जब से ट्यूशन से आई है इतना मार के। शाम को अंधेरा हो गया है और इधर हॉल की लाइट को जलाया है।
जब से ट्यूशन से आई है आराध्या इतना मार रही है, जब नमकीन बनाने के लिए बोले तब थोड़ा सा ठीक हुई है। फिर और अभी बनाना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिए, तब तक के बाय।